अक्सर चीन छीना, अब देखो कहाँ लद्दाख की तरफ से आ रहा है, अरुणाचल की तरफ से, हर तरफ से घेर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल सकता हूँ है ना कि जितना जगह जितना हो सके मतलब चीन से मतलब सतर्क रहे। वो आज तक झूठ बोलते आया है, आज तक गुमराह करते आया है, अभी भी करते रहेंगे। पंडित नेहरू जी था उस समय भी, उन्होंने बोला चीनी हिंदी बाय बाय, एक साल के बाद बस 62 में उन्होंने फिर पीछे छोड़ा भोग दिया है ना। इस वक्त हम मैक्लोडगंज में हैं और मैक्लोडगंज, जैसा मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि ये दलाई लामा का हेडक्वार्टर है, अभी जो अस्थाई रूप से हेडक्वार्टर है वो यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे तिब्बतियन भी रहते हैं। 1965 के बाद जो भी तिब्बती भारत में पैदा हुए उनको भारत सरकार नागरिकता देती है, तो वो भारत के जो चुनावी प्रोसेस है, वोटर आईडी कार्ड है और जो बाकी सारी यहाँ पर भारतीय माने जाने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके पास होते हैं। तो इस चुनाव में भी कई यहाँ पर तिब्बती ऐसे हैं जो वोट देंगे, उनके क्या मुद्दे रहेंगे, उनकी क्या सरकार से उम्मीदें रहेंगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक शख्स है। ये यहाँ पर तिब्बत किचन नाम का एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुंगा हूँ। सर बताइए, मैक्लोडगंज की क्या समस्याएं हैं? आप तो यहाँ कई सालों से रहते हैं, किन मुद्दों पर नेताओं को काम करना चाहिए? मेन थिंग तो ट्रैफिक है, ये आप सबको दिख रहा है, ट्रैफिक मेन है, मेन मुद्दा है। उसके बाद जो है पानी का समस्या बहुत है। अच्छा। पानी का समस्या बहुत है। आप अगर देखोगे सुबह है ना, लोगों को धर्मगढ़ रोड या जहाँ भी हो, लोग रेंज पकड़ते हुए दौड़ते हुए दिखे गए आपको है ना, इवनिंग को या सुबह को है ना। पानी का बहुत दिक्कत है। ऐसा नहीं कि यहाँ आस पास पानी का नदी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बक्सुनाथ है तो उस पर ज़रूर कुछ करना चाहिए, मुझे ये लगता है सबसे। हाँ जी, सबसे मेन मुद्दा दो चाहिए। और कूड़ा का भी थोड़ा बहुत है, कर तो पहले से तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन फिर भी कूड़ा का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, कूड़ादान का। साफ सफाई की दिक्कत है आप बता रहे हैं? प्रॉपर कूड़ादान नहीं है, कूड़ेदान प्रॉपर है ना, मतलब एक बनाया हुआ है लेकिन कर तो रहा है, पहले के हिसाब से तो बढ़िया कर रहा है लेकिन एक दो जगह अभी भी मतलब ढंग का नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। आपके परिवार से कितने लोग वोट देते हैं? मेरे परिवार से दो ही लोग देते हैं। आप लोगों दो ही लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और वैसे यहाँ पर टोटल आप अंदाजे से अगर बताएं कितने तिब्बती लोग यहाँ रहते होंगे मैक्लोडगंज में? यहाँ मैक्लोडगंज पूरा धर्मशाला में बोलेगा मोर देन 10,000 होगा। इन 10,000 में से कितने लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड होगा? नहीं, 2-3 हज़ार तो ज़रूर होगा। 2-3 हज़ार मैं धर्मशाला वो सिद्धबड़ी मैक्लोडगंज सब मिला के बोल रहा हूँ, यहाँ आसपास जो है ना कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो सब मिला के बोल। अगर मैं आपसे पूछूँ कि तिब्बतियों के लिए बड़े मुद्दे क्या हैं, जैसे अभी हम अलग अलग जगह घूम रहे हैं तो कोई बोल रहा है कि हमारे लिए OPS ओल्ड पेंशन स्कीम बड़ा मुद्दा है, कोई बोल रहा है कि जो सेब के बागबान हैं उनको सही पैसे नहीं मिल रहे वो बड़ा मुद्दा है, कोई बोल रहा है कि हम फला सरकार से खुश हैं, तो आपके लिए क्या बड़े मुद्दे होंगे जिस पर नेताओं को काम करना चाहिए? देखो मैं तो अभी क्योंकि मैं एक तिब्बतन के नाते मैं सोच कर नहीं बता रहा हूँ। हाँ। मैं एक इंडियन लोकल है ना, तो मैं फ़िलहाल तो यही बोल सकता हूँ। अदरवाइज ये पेंशन वगैरह ये तो हमारा पहले से हमें ना सरकारी नौकरी मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता था। जो हमारा जवान था उसको भी पहले सैलरी सेम नहीं मिलता था, अब आजकल सेम मिल रहा है। हाँ, आर्मी में जवान को सेम सैलरी मिल रहा है, अब पेंशन मिलना भी शुरू हो गया है ना। वो तो मैं शुक्रगुजार करता हूँ भारत सरकार को है ना, बाकी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। ऐसे तिब्बतियों के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है जिस पर वो एकजुट हो या उसके आधार पर वोट दे? अच्छा, तिब्बत के लिए तो बस सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल सकता हूँ है ना कि जितना जगह जितना हो सके मतलब चीन से मतलब सतर्क रहे। वो आज तक झूठ बोलते आया है, आज तक गुमराह करते आया है, अभी भी करते रहेंगे, कभी भी विश्वास मत करना। क्योंकि जब नेहरू जी पंडित नेहरू जी था उस समय भी उन्होंने बोला चीनी हिंदी बाय बाय, एक साल के बाद बस 62 में उन्होंने फिर पीछे छोड़ा भोग दिया है ना। सेम वैसे आज तक करते रहा, अक्सर चीन छीना, अब देखो कहाँ लद्दाख की तरफ से आ रहा है, अरुणाचल की तरफ से, हर तरफ से घेर रहा है।
और श्रीलंका की तरफ से आप देखो वो कौन सा पोर्ट है, उन्होंने ले लिया। अब हर तरफ से मतलब भारत को मतलब घेर रहा है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कभी कभी भी चीन को विश्वास मत करना। अब वही मैं कहना चाहता हूँ बस, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मैक्लोडगंज की इन्होंने मेन समस्या बताई, टूरिस्ट साइट है, बहुत लोग यहाँ आते हैं अभी, जबकि कहा जाता है कि ऑफ सीजन है ना, ये इसे ऑफ सीजन, ये मेन सीजन तो मई जून है, अप्रैल में ठीक होता है, मई जून मेन सीजन होता है, अक्टूबर मीडियम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये दिसंबर का इनमें अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, अदरवाइज मीडियम है, बिल्कुल ऑफ भी नहीं है, मीडियम है। मीडियम सीजन में भी हमें यहाँ तक आने में जितना टाइम एवरेज लगना चाहिए 10 किलोमीटर आने में हमें 1.5 घंटा लग गया। तो ट्रैफिक जाम एक समस्या है, मैनेजमेंट की थोड़ी कमी है, पानी की समस्या इन्होंने बताई। तो आगे ही हम ऐसे और लोगों से बात करेंगे, अलग अलग इलाकों में जाएंगे, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग चेहरे, अलग अलग कहानियाँ आप तक लेकर आते रहेंगे। इस पूरी बातचीत को कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया मेरे साथी अमितेश ने, मेरा नाम है सोनल, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।